बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की गल करिए, हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी सफर हूँ तक एक तो बद के एक सुपरहिट फिल्मा दी। वैल अज भी लोग उन्होंने फिल्मा देखना पसंद कर रहे हैं, तो टीवी से उन्होंने सुपरहिट फिल्म अज भी लोगों का एंटरटेन कर दिया दिखाई दें। बट हाल ही असं गल करा एक्ट्रेस की फिल्म भागवान की। वैल उन्होंने फिल्मी करियर की सब तो बेहतरीन फिल्मों एक मनी जाती है, जो कि सुपरहिट रही। बट तुम्हें पता है कि धर्मेंद्र इस फिल्म को नहीं देखना चाहते थे। हाल ही जो एक्ट्रेस तो यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज दिता जवाब। हेमा मालिनी ने अपने करियर दे विच ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां ने, भागवान उन्हां विचों एक है। इस फिल्म दे विच हेमा मालिनी अते अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने खूब लाइमलाइट लुटी। साल 2003 विच रिलीज हुई इस फिल्म च मां बाप बने हेमा मालिनी अते अमिताभ बच्चन अपने बच्चों नाल रहन लई संघर्ष करते नजर आते हैं। ये ओही फिल्म मनी जाती है जिसने हेमा मालिनी अते अमिताभ बच्चन नू वड्डे पर्दे ते वापस लियांदा सी। दोवां दी जोड़ी दी भी काफ़ी तारीफ हुई सी। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने अज भी लोगों नू भावुक कर दिंदी है। हालांकि अफवाहां सन कि धर्मेंद्र इस फिल्म नू कदे नहीं देखना चाहते सी। हुण इस अफवाह ते हेमा मालिनी ने अपनी प्रतिक्रिया पहली बार दिती है। भागवान की सफलता तो बाद अफवाहां फैल गई सन कि हेमा अते अमिताभ की कैमिस्ट्री कारण धर्मेंद्र कदे भी ये फिल्म नहीं देखना चाहते सी। एक इंटरव्यू विच गलबात करदे दौरान जो हेमा मालिनी तो इस बारे सवाल किया गया तो वह हसन लगी अते कहा, मैनू इस बारे नहीं पता, मैं इस बारे कुछ नहीं जानती। हालांकि हेमा मालिनी ने भागवान नू प्यारी फिल्म दसिया है। इस फिल्म नू साइन करन दी कहानी नू याद करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, मैनू याद है जदों मैं रवि चोपड़ा तो कहानी सुन रही सी तो मेरी माँ उत्थे बैठी सी। उस दे जान तो बाद मैं उन्हां नू कहा, चार अजिहे वड्डे मुंडिया की माँ का किरदार निभाउण लई बोल रहे ने, मैं ये किवें कर सकती हाँ। पर मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं तुहानू ये फिल्म करनी पवेगी। मैं कहा, क्यों? उन्होंने कहा, नहीं कहानी बहुत वधिया है, तुहानू ये फिल्म करनी पवेगी। मेरी माँ इस फिल्म नू करन लई मेरे पिछे पै गई सी। फिर मैं कहा, ठीक है मैं ये करांगी, पर इस तो पहला मैं फिल्मां नहीं कर रही सी। मैं लंबे समय बाद काम ते वापसी कर रही सी, इसलिए मैं सोचा कि मैं ये फिल्म क्यों करा। पर फिर उन्होंने मैनू समझाया कि इस फिल्म विच तुहानू बहुत वधिया रोल मिल रहा है। वैल उन्हां दी ये कहानी हुण लोगों का दिल जीती दिखाई दे रही है। जो भी होवे अज भी जदों टीवी ते भागवान लगी होवे तां लोगों नू भावुक कर जांदी है। ये फिल्म अज भी कई लोगों की पसंदीदा फिल्मों विचों एक है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की गल करिए, हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी सफर हूँ तक एक तो बद के एक सुपरहिट फिल्मा दी। वैल अज भी लोग उन्होंने फिल्मा देखना पसंद कर रहे हैं, तो टीवी से उन्होंने सुपरहिट फिल्म अज भी लोगों का एंटरटेन कर दिया दिखाई दें। बट हाल ही असं गल करा एक्ट्रेस की फिल्म भागवान की। वैल उन्होंने फिल्मी करियर की सब तो बेहतरीन फिल्मों एक मनी जाती है, जो कि सुपरहिट रही। बट तुम्हें पता है कि धर्मेंद्र इस फिल्म को नहीं देखना चाहते थे। हाल ही जो एक्ट्रेस तो ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज दे विच दिता जवाब। हेमा मालिनी ने अपने करियर दे विच ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां ने, भागवान उन्हां विचों एक है। इस फिल्म दे विच हेमा मालिनी अते अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने खूब लाइमलाइट लुटी। साल 2003 विच रिलीज हुई इस फिल्म च मां बाप बने हेमा मालिनी अते अमिताभ बच्चन अपने बच्चों नाल रहन लई संघर्ष करते नजर आते हैं। ये ओही फिल्म मनी जाती है जिसने हेमा मालिनी अते अमिताभ बच्चन नू वड्डे पर्दे ते वापस लियांदा सी। दोवां दी जोड़ी दी भी काफ़ी तारीफ हुई सी। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने अज भी लोगों नू भावुक कर दिंदी है। हालांकि अफवाहां सन कि धर्मेंद्र इस फिल्म नू कदे नहीं देखना चाहते सी। हुण इस अफवाह ते हेमा मालिनी ने अपनी प्रतिक्रिया पहली बार दिती है। भागवान की सफलता तो बाद अफवाहां फैल गई सन कि हेमा अते अमिताभ की कैमिस्ट्री कारण धर्मेंद्र कदे भी ये फिल्म नहीं देखना चाहते सी। एक इंटरव्यू विच गलबात करदे दौरान जदों हेमा मालिनी तो इस बारे सवाल किया गया तो वह हसन लगी अते कहा, मैनू इस बारे नहीं पता, मैं इस बारे कुछ नहीं जानती। हालांकि हेमा मालिनी ने भागवान नू प्यारी फिल्म दसिया है। इस फिल्म नू साइन करन दी कहानी नू याद करदे हुए हेमा मालिनी ने कहा, मैनू याद है जदों मैं रवि चोपड़ा तो कहानी सुन रही सी तो मेरी माँ उत्थे बैठी सी। उस दे जान तो बाद मैं उन्हां नू कहा, चार अजिहे वड्डे मुंडिया की माँ का किरदार निभाउण लई बोल रहे ने, मैं ये किवें कर सकती हाँ। पर मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं तुहानू ये फिल्म करनी पवेगी। मैं कहा, क्यों? उन्होंने कहा, नहीं कहानी बहुत वधिया है, तुहानू ये फिल्म करनी पवेगी। मेरी माँ इस फिल्म नू करन लई मेरे पिछे पै गई सी। फिर मैं कहा, ठीक है
मैं ये करांगी पर इस तो पहला मैं फिल्मां नहीं कर रही सी। मैं लंबे समय बाद काम ते वापसी कर रही सी, इसलिए मैं सोचा कि मैं ये फिल्म क्यों करा। पर फिर उन्होंने मैनू समझाया कि इस फिल्म विच तुहानू बहुत वधिया रोल मिल रहा है। वैल उन्हां दी ये कहानी हुण लोकां दा दिल जीती दिखाई दे रही है। जो भी होवे अज भी जो टीवी ते भागवान लगी होवे तां लोकां नू भावुक कर जांदी है। ये फिल्म अज भी कई लोकां दी पसंदीदा फिल्मां विचों एक है।